तो दूसरे चरण के लिए अब चुनावी शोर थम चुका है, क्योंकि 26 अप्रैल को 13 संसदीय सीटों पर मतदान होना है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ और अब दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। 26 अप्रैल के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां अब रवाना होगी। मतदान सामग्री को लेकर 8 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ और अब यूपी की 8 सीटों पर दूसरे चरण में ही मतदान होगा। तो मतदान सामग्री को लेकर अब पोलिंग पार्टियां भी रवाना होगी और 8 ये लोकसभा सीटें हैं जहां पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, निर्वाचन आयोग भी पूरी तैयारी के साथ मतदान केंद्रों में तैयारी करता हुआ नजर भी आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार मताधिकार का प्रयोग करने की अपील सभी लोगों से भी की जा रही है ताकि मत प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, क्योंकि पहले चरण के मतदान में मत प्रतिशत जो है वो नीचे गिरता हुआ नजर आया, बहुत कम मताधिकार का प्रयोग हुआ। लेकिन अब दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग की ओर से भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग की ओर से भी अभियान, जागरूकता को लेकर अभियान चलाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। और यही अपील सभी राजनीतिक पार्टियां और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की ओर से जनता से की जा रही है कि अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और चलिए तमाम लोकसभा सीटों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी लेंगे कि किस तरीके से पोलिंग पार्टियां अब रवाना हो रही है, तैयारी क्या कुछ लोकसभा क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। मथुरा से हमारे संवाददाता महेश सिंह हमारे साथ है, अशोक कुमार बुलंदशहर से हमारे साथ है, अतुल शर्मा मेरठ से हमारे साथ है और मोहम्मद माजिद संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ है। सबसे पहले मथुरा का रुख करेंगे महेश, आज दूसरे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होगी, किस तरीके से तैयारियां अब देखने को मिल रही है? महेश आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी महेश, दूसरे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां अब देखिए रवाना हो रही है, मतदान केंद्रों के लिए किस तरह की तैयारियां अब देखने को मिल रही है दूसरे चरण को लेकर? देखिए हम आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पे यहाँ से पोलिंग पार्टियां सभी रवाना होने वाली हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस कल देर शाम को ही रवाना कर दी गई थी। सबसे बड़ी बात है प्रशासन ने यहाँ पर जो तैयारियां की हैं उनको लेकर के यहाँ पर जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वो लगभग 2128 पोलिंग बूथ है जिनके लिए यहाँ पे अभी सभी लोग रवाना होने वाले हैं। साथ ही साथ अब प्रशासन की ये भी चिंता है कि यहाँ पिछले जो पहले चरण में मतदान हुआ था वो उसका प्रतिशत कम रहा था, लेकिन इस बार मतदान बढ़ाने का प्रतिशत का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मथुरा की अगर बात की तो यहाँ पर प्रत्याशियों को कमजोर माना गया है, इसलिए कई ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर मतदान का बहिष्कार किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार बात कर रहा है कि जनता जो है वो मतदान करे। ये प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन प्रशासन लगातार सफल साध रहा है कि मतदान करें, अपना वोट अवश्य करें, प्रत्याशियों की बात अलग है। लेकिन पोलिंग बूथों जो रवाना किया गया, पार्टियों को रवाना किया गया, उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई, साथ ही साथ प्रत्येक पोलिंग बूथ को यहाँ के मथुरा के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जो कि कंट्रोल रूम जिलाधिकारी कलेक्टर कार्यालय में बनाया गया है, जो कि प्रत्येक पोलिंग बूथ कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा। वहाँ की जो भी कोई भी समस्या है या कोई भी चीजें हैं उनकी लगातार जानकारी कंट्रोल रूम को मिलती रहेगी। जी अतुल, मेरठ का जिक्र कीजिए कि किस तरीके से तैयारियां वहां पर आयोग, निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है, आज दूसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और कितने मतदान केंद्र मेरठ में बनाए गए हैं चुनाव को लेकर? देखिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का जिस तरह से कल चुनाव है, मतदान होना, उसी से पहले अगर बात की जाए तो पोलिंग पार्टी आज रवाना होंगी। हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल रूम निगाह रखेगा, कहा जा सकता है किसी भी तरह से चुनाव आयोग की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। साफ तौर पर अगर देखा जाए सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर सभी मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया, आज 10 बजे से पोलिंग पार्टी रवाना होंगी, शाम 5 बजे तक सभी पोलिंग बूथों पर पहुंचना अनिवार्य है। उसी बीच अगर बात की जाए मेरठ प्रशासन की तरफ से चार चौबंद
व्यवस्थाएं की गई है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से पोलिंग पार्टी रवाना होने के बाद सभी अपने केंद्रों पर पहुंचेंगे, उसी बीच अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि सुबह से ही अधिकारियों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और कहा जा सकता है कि शाम 5 बजे से पहले सभी मतदान स्थलों पर पोलिंग पार्टी पहुंचेंगी। 2600 से ज्यादा यहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उसी के बीच अगर बात की जाए तो सभी अधिकारी लगातार सुबह से ही सक्रिय नजर आने चालू हो चुके हैं। उसी बीच कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से कल का दूसरे चरण का चुनाव है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, उसी को लेकर के लगातार कमिश्नर एडीजी की अगर बात की जाए तो 454 व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। लगातार अगर बात की जाए तो यहां पर जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से अधिकारी रोडों पर उतरकर 454 व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए मतदान केंद्रों को लेकर के, हाई सिक्योरिटी कैमरा सभी मतदान केंद्रों पर लगाए गए हैं। जितने भी मंडल की बात हो, जोन की बात हो, जोन के सभी अगर जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर कमिश्नर का कहना है कि सभी पर यहाँ जो मतदान केंद्र है हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतदान होगा। किसी भी तरह से फर्जी वोटिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की अपील है सभी घर से बाहर निकले, लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। उसी बीच अगर बात की जाए तो मेरठ में 454 व्यवस्थाएं सभी मतदान केंद्रों के लिए, पोलिंग पार्टी सुबह 10 बजे रवाना होंगी और मतदान निष्पक्ष रूप से कराने के लिए फिलहाल मेरठ पुलिस प्रशासन और प्रशासन की बात की जाए तो जुटा हुआ है। ठीक है, अमरोहा से माजिद हमारे साथ है। माजिद, अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और साथ ही साथ अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो कितने मतदान केंद्र अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं और आम जनता को और ज्यादा सहूलियत देने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मतदान जो 19 अप्रैल को हुआ वो मत प्रतिशत कम रहा और अब चुनौती है चुनाव आयोग के सामने कि कैसे इस मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, फिर मैं बता दूं अमरोहा जनपद में दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल कल को मतदान होना है। आज पोलिंग पार्टियां अपने बूथों के लिए रवाना हो रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अमरोहा जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच से मतदान कराया जाएगा और जो पोलिंग बूथ है उन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जिसका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में बनाया गया है। अगर बात मतदाता की जाए तो करीबन 17,16,000 समथिंग मतदाता यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करेंगे और 1861 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही अमरोहा पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान करने की बात कही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। करीब 5,000 पुलिसकर्मी कल के मतदान के लिए तैयार हैं। साथ ही जो मतदान के लिए टीमें रवाना हो रही हैं, आज सुबह 10 बजे से वो मतदान के लिए रवाना हो जाएंगी। शाम 5 बजे तक सभी टीमें अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी और कल यानी कि मतदान होगा। डीएम राजेश कुमार त्यागी का साफ तौर से कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहीं अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो मतदान प्रतिशत के लिए अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने जनता से अपील भी की है और लगातार बच्चों से रैलियां निकालकर चुनाव ज्यादा से ज्यादा करने की मतदान करने की अपील की है। तो ऐसे में अमरोहा में अंदाजा लगाया जा रहा है कि मतदान प्रतिशत काफी अधिक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से डीएम राजेश कुमार त्यागी ने जनता के बीच जाकर तमाम रैलियां और बच्चों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ मतदाताओं को जागरूक किया है तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमरोहा जनपद में मतदान प्रतिशत अधिक रहेगा।